ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि की। नाम पंचम योग तो बना ही हुआ है, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई है राजनीतिज्ञों को, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार FNO यानी फॉरेन ट्रेड करने वालों को, फ्यूचर ट्रेड करने वालों को धनलाभ के सुंदर योग बने। कैसे भी करके आपका एक नया ऑफिस खुल रहा है जो विदेश में हो सकता है। राष्ट्र की सेवा करने के लिए सिंह राशि वाले तैयार हैं, इसलिए सिंह राशि वाले सिपाही IAS IPS IRS सैनिक जो हैं अच्छा काम करेंगे, उनके लिए फायदे के योग बने हुए हैं। 82% उत्तमता भरा दिन, लाल रंग का उपयोग करें और भाग्य अंक है 5। अगली राशि पर बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि की। धन लाभ के योग बने हुए हैं, व्यापार में वृद्धि के योग बने हुए हैं, और जो व्यापार आप नहीं करते थे वो भी अब करेंगे तो उसमें धन लाभ मिलेगा। जिसमें नुकसान हुआ था उसकी रिकवरी होने के सुंदर योग बने हुए हैं। तो एक बात का ध्यान रखें, अपनी सेहत को दरकिनार ना करें। कुल मिलाकर आज का दिन 70% उत्तमता भरा, हरे रंग का उपयोग करें और भाग्य अंक है 3। अगली राशि तुला राशि। बेशक साढ़े सती का प्रकोप है, मगर आज का गुरुवार आपके लिए अच्छा सुयोग, सकारात्मक दिन ला रहा है। 9:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामले में भी फैसला आपके पक्ष में होगा, और व्यापारिक धन लाभ, नौकरी पेशा लोग जो हैं वो भी सुख सुविधा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। कुल मिलाकर 75% उत्तमता भरा दिन, पीले रंग का उपयोग करें और भाग्य अंक है 5। अगली राशि वृश्चिक राशि। देखिए, समय कभी कभी क्रूर होता है, कभी कभी सौम्य होता है, कभी कभी आपके पक्ष में होता है। तो आज समय आपके पक्ष में है, आज धन तो कमाएंगे ही कमाएंगे, बच्चों के माध्यम से भी कुछ सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। जो कार्य आप चाहते थे कि आपका बच्चा करे, उसमें सफलता भरे सुंदर सुयोग बनाकर आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। मगर साढ़े सती है, इसलिए ओम शन शनेश्वराय नमः और हनुमान चालीसा पढ़ना बिल्कुल मत भूलें। 70% उत्तम तबरा दिन, मेहरून कलर का इस्तेमाल और भाग्य अंक 10। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए राज्योतिष।